अस्सलाम वालेकुम, मैं मानूरू। आज हम लोग पैथो लैब में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, स्टेप क्या है, सो लेट्स स्टडी। हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है? इसमें हमारे पास कोई टिश्यू का सैंपल होता है, उसको हम लोगों ने प्रिपेयर करना होता है ताकि फिर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें कि वो सैंपल है क्या। तो उसको प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है उसे हम टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है माइक्रोटोम, जो आप लोगों को यहाँ बताया गया है। ये आप लोगों के पास माइक्रोटोम होते हैं जिसमें हम जिसको हम कह देते हैं माइक्रोटोम। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास टोटल 11 स्टेप्स हैं। सो वन बाय वन हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो हमारे पास आता है फिक्सेशन। हमारे पास कोई भी टिश्यू आ जाता है उसको हमने फिक्स करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग 10% फॉर्मलिन उस टिश्यू सैंपल में डाल देंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है कि हम लोगों ने उसका डाटा को रिकॉर्ड करना है। थर्ड हमारे पास आता है कि वो जो स्पेसिमेन है वो हमारे पास नंबर 1 पे आया, नंबर 10 पे आया, नंबर 100 पे आया, उस स्पेसिमेन को हमने नंबर करना है। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस हमने ऊपर से एक्सपेरिमेंट करना है कि उसमें क्या नॉर्मल सेल है, उसका टिश्यू क्या है, उसकी कोई डिजीज़ है या नहीं। फिर फिफ्थ हमारे पास होते हैं जहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड शुरू, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होती है कि हम लोगों का जो टिश्यू है जिसको हम लोगों ने फिक्स किया था फॉर्मलाडिहाइड से, उस पर हम लोग डाल देंगे एथेनॉल। एथेनॉल डालने के बाद उसका जो वाटर है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद जो अल्कोहल है उसको हमने डिहाइड्रेट करना है। उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग मॉल्टन वैक्स से करेंगे। मॉल्टन जटी उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो वैक्स होती है वो हमारे फ्रीजर में बंद होती है, क्योंकि हम लोगों ने जारी पर होती है उसमें हम लोगों ने फिक्स रखनी होती है। उसको यहाँ से हम लोग निकाल के हम लोग जो अपना है उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। जब वो मेल्ट हो जाएगी फिर हमारे पास जो टिश्यू सैंपल है उसको हम लोग वैक्स में डाल देंगे। इस स्टेप को हम लोग कह देते हैं डी एल्कोलेशन। और जो वैक्स होती है वो कोई आम वैक्स नहीं होती, उस वैक्स का नाम होता है जिसे हम कहते हैं मॉल्टन वैक्स। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, फिर हमने इसी स्टेप में रखना है और हमने उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देना है अप टू 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम लोगों ने कर लिया, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ से सैंपल को उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग वापस अपना जो फ्रिज है उसमें डाल देंगे। ये पूरे स्टेप का नाम है एम्बेडिंग। अब जब टिश्यू सैंपल ऐसे ठंडा हो गया, हम फ्रिज से निकाल के उसे हम लोग अपने माइक्रोटोम में डाल दें जाती हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कटिंग। और कटिंग कैसे करेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास सैंपल है, उसको हमने यहाँ डाल दिया और पीछे ये जो आपके पास रोटेटर है जो अभी तो फिक्स है लेकिन हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होती रहेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग कटिंग करने लग जाएंगे और कटिंग का यहाँ पे सैंपल आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग जो सैंपल है उसको यहाँ से उठा के हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमारे पास स्लिट होती है। यहाँ पे डाल के हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसे हम कह देते हैं स्टेनिंग। उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग उसकी डीपरफराइजेशन करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन डालेंगे, हम हेमोक्सिटिन स्टेनिंग करेंगे, ईओसिन स्टेनिंग करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, जो अल्कोहल हमने अटैच किया उसको हम लोग रिमूव करेंगे और इस स्टेप को कह देते हैं डिहाइड्रेशन। और ये थे सारी आप लोगों के पास जटी है टिश्यू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होप आप लोगों को स्टेप समझ आए हुए हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।